अलग अलग गिरोह पूरे शहर में अपना आतंक फैला रहे थे। इनमें सबसे खतरनाक गिरोह था एक्स गैंग। अगर कोई महफूज जगह थी तो वो थी शहर की बिगस्टाई चाली, जहां किसी भी गिरोह को कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखो इसकी तरफ कितनी खूबसूरत औरत है, और इस औरत को तुमने गिरफ्तार कर लिया, वो भी सिर्फ सड़क पर थूकने की वजह से। है कोई इंसाफ यहां? कोई कानून है यहां? इस साले को कमिश्नर मैंने बनाया, इसे कुर्सी पर मैंने बिठाया, और देखो इसे, तूने मेरी ही बीवी को गिरफ्तार किया। वहीं रुक जाओ, एक्स गैंग के बॉस अंदर सो रहे हैं, अगर वो उठ गए तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओ, तो मरना चाहते हो तुम सब? ठीक है, एक एक करके सामने आओ, मैं देखता हूं, लेकिन कान खोल कर सुन लो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ओ प्याज वाली आंटी, तुम इधर आओ। क्योंकि तुम मारत हो इसीलिए मैं पहला चांस तुम्हें दे रहा हूं, तुम दम लगाकर मारो जितना मार सकते। चलो मारो, बस इतना ही दम है। ये तो नमूना था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता, जाओ वापस जाओ। पहले क्यों नहीं बोला? औरत हो इसलिए बच गई, वरना एक रख के देता ना तो मालूम पड़ता। बरवन कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है एक मियां बीवी को टपकाना है, क्या कीमत लोगे हैं? बाबा क्या किस्मत है तुम्हारी, हमारे पास ऐसे कई माहिर हैं जो तुमसे लड़ सकते हैं, पर पहले हम तुम्हारे कमाल देखना चाहते हैं, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि तुम में दम कितना है। हैं, इन बंदरों के आगे मैं अपनी कला दिखाऊं, पर ये इस लायक नहीं है, नालायक है, मैं क्या कीमत लूंगा। मैंने सैकड़ों कत्ल कर डाले एक ऐसे दुश्मन की तलाश में जो मेरे सामने खड़ा होने की ताकत रखता हो, मगर मुझे एक भी नहीं मिला। मिल जाता तो मैं कब का पागल खाने से बाहर निकल आता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके तो मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कत्ल कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। है कोई तुम्हारे पास? सुनो, जिसके पास ताकत होती है जिम्मेदारी भी वही उठाता है, पर दिल को तसल्ली है कि तुम जैसे असली मास्टर को देखकर अब मैं चैन से मर सकता हूँ। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे कुंफू का मास्टर बना दो, फिर मैं उन लोगों से बदला लूंगा इन दोनों की मौत का। चाची ने आपका क्या हाल बना रखा है, आप कुछ लेते क्यों नहीं? आप लोगों के यहाँ आने का हम वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग उनका हुनर जान चुके हैं, उनमें से एक हंग स्कूल की आयरन फिस्ट का जानकार है, दूसरे ने यांग ऑक्टेजन की कला सीखी है, और तीसरा टान स्कूल की बारह किक का गुरु है। बिग स्टाई के तीनों आदमी मास्टर हैं। गलत, दुनिया के नंबर वन कातिल हम नहीं बीस्ट है, और कत्ल करने में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो कुंगफू सीखने में इतना डूब गया है कि पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। टेलर मास्टर, क्या तुम मेरा स्कर्ट थोड़ा और छोटा कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं जेन। ऊपर तक उड़न खटोला। तो बहुत ही बदमाश लड़की। हाँ डर के बुड्ढा मेरे साथ कैसा मजाक कर रहा है। क्यों लाल चुन्नी में क्या खराबी है? जब हम सबकी खटिया खड़ी हो गई थी और तुम दबा कर भाग गई थी तो इन्हीं लोगों ने हमारी जान बचाई थी, अगर ये सब ना होते तो हम सब जान से मारे जाते। ऐसा मत बोलिए, शायद ऊपर वाले ने इन्हें हमारे पास किसी वजह से भेजा है। बिल्कुल अद्भुत, तुम जानते हो तुम लाखों में एक हो, इतनी छोटी उम्र है पर तुम्हारी हड्डियों का ढांचा और रगों में कुंफू मास्टर का हुनर है। अगर तुम अपने हुनर पर काबू पा लो तो तुम मौत को भी अपने वश में कर सकते हो। पुरानी किताबों में लिखा है कोई भी अपने भाग्य से भाग नहीं सकता है, आने वाले कल में विश्व शांति और बुराई पर विजय पाने का जिम्मा तुम्हारा होगा, तुम निभाओगे? ये बुद्ध हस्त कुंफू की किताब वैसे तो बहुत अमूल्य है, पर तुम्हारे भाग्य में लिखी है इसलिए तुम्हें मैं सस्ते में दे दूंगा। इस शहर के बादशाह हम हैं, लोगों पर राज करना हमारा काम है, और आज लोग हम पर हंस रहे हैं, इन दोनों निकम्मों की वजह से मैं इनको मार दूंगा। नहीं मिलेगा, सब सुन लो, आज के बाद सोमवार बुधवार और शुक्रवार को पानी नहीं मिलेगा, और मंगलवार गुरुवार और शनिवार को सिर्फ 2 घंटा मिलेगा, सुना तुमने? और अगर किसी को तकलीफ है तो मेरा पूरा किराया देकर मेरी चाली छोड़ पर जा सकता है। कैसी हैं आप चाची? चुप कर, अखरोट के छिलके, 2 दिन में मेरा किराया दे दे, नहीं तो आग लगा दूंगी तेरी दुकान को। जी दे दूंगा। और तू क्यों पोज में खड़ा है? किराया मांगती है तो 32 ही दिखाता है, दांत तोड़ दूंगी तेरे। और ये गधा कुली, अरे तेरे सर पे तो और बोझ डालना चाहिए, एक तो महीनों तक किराया नहीं देता, ऊपर से मुझे नमस्ते भी नहीं बोलता, सारी जिंदगी ढेंचो ही रहेगा, याद रखना। मच्छर कहीं के, और पानी चाहिए तुझे? हाँ।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।